क्लास टेन चैप्टर नाइन एक्सरसाइज 9.1 का आज हम नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बना के रखा है, ये बिल्डिंग का और एक टावर का। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बिल्डिंग का जो टॉप है टावर के फुट से 30 डिग्री एंगल बनाता है, और टावर का जो टॉप है बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री एंगल बनाता है, और टावर की हाइट अगर 50 मीटर है तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, बिल्डिंग का टॉप ये टावर के बेस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली बच्चों को डाउट होता है कि टावर और बिल्डिंग में से बड़ा क्या है। तो आप कोई भी पहले रफली बना लीजिए, उसके बाद आप देखिए जहां एंगल बड़ा होगा, मतलब उसकी हाइट ऊपर है, यहां पर 60 डिग्री एंगल बड़ा है तो यहां ऐसे मुंह बड़ा खुल रहा है तो टावर की हाइट ज़्यादा है। 30 डिग्री मीन्स बिल्डिंग से है तो बिल्डिंग की हाइट कम है। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन के लिए एक ये डायग्राम बना दिया है, बिल्डिंग एंड टावर, और एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम भी बना दिया है, सब में एक जैसा ही मार्किंग किया है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं, और एक काम करते हैं, इसको कन्वीनियंट के लिए H मान लेते हैं और ये BC को X। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो यहाँ से हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम 1 x की वैल्यू ले ली हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h रूट 3 पुट इन 2, सेकेंड में हमने पुट कर दी x की वैल्यू h रूट 3, यहाँ पर x की जगह एच रूट 3 इज इक्वल टू दिस इज रूट 3। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमने x की वैल्यू एच रूट 3 ली और ये x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एच रूट 3। अब ये मल्टीप्लाई हो गया रूट 3 और यू कैन राइट इन मिक्स फ्रैक्शन, इट विल बी 16 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 2 अपॉन 3 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16 2 अपॉन 3 मीटर। दिस इज अवर आंसर।